हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, आज तो बहुत ही बारिश हो रही है मेरे यहाँ, और आज 28 दिसंबर है। और ये दोस्तों 2021 का लास्ट ओवरव्यू है मेरे गार्डन में। कैसे, मैं दोस्तों बाहर गई थी और मैं आज ही वापस आई हूँ, और मेरा मन हुआ कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे एब्सेंटी में मेरे प्लांटों का क्या हाल है। और आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है, और प्लांटों की आपको कंडीशन दिखाती हूँ। यहाँ पे पिटूनिया मेरे बहुत ही अच्छे से हैं, और नस्टेशियम भी बहुत ही ठीक है, जैसा छोड़ के गई थी वैसे ही हैं। और दोस्तों देखिए कितना अच्छा सा गुलाब खिला है, पर पानी बरसने के कारण इसमें थोड़ी सी ओवर वाटरिंग हो गई है इसमें। और ये देखिए ऑरेंज बहुत ही प्यारा है ये फ्लावर। यहाँ पे दोस्तों पेंजी है, जो कि मैं नहीं थी तो इनकी डेड हेडिंग नहीं कर पाई, इनके सूखे फ्लावरों को नहीं तोड़ पाई हूँ। और यहाँ पे दोस्तों सारे ही मेरे मैरी गोल्ड है और कैलेडियम है पेंसी का। इसका कलर आप देखो दोस्तों कितना ही सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है विंटर का। यहाँ पे मेरे वांडरिंग ज्यू, और इस तरह से ये देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर से वाइट कलर के फूल मुझे जब मैं लौट के आई तो देखने को मिला दोस्तों। और प्लांट की अच्छी है, मेरे हस्बैंड ने ठीक ठाक से उनकी केयर की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने प्लांटों को देख के खुश हो गई। यहाँ पे इम्पेशन बहुत ही सुंदर से दोस्तों खिल रहे हैं, और बस यही है कि उनकी मैं सूखे प्लांटों को फ्लावरों को तोड़ नहीं पाई, और अब मैं इनकी थोड़ी सी और अच्छे से केयर करूँगी जो कि विंटर में अच्छे से फ्लावर दे। दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। और यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको आपका पूरा, यहाँ पे मेरी दोस्तों हैंगिंग है जो बहुत अच्छे से चल रही हैं, आज बहुत खुश हैं, उनको भी बारिश का पानी मिल गया है, और अभी भी बारिश थोड़ी धीरे धीरे बारिश हो रही है दोस्तों। और इस तरह से मेरी कोलियस हैं, और कुछ विंटर जो समर प्लांट हैं वो बेचारे अभी डॉर्मेट्री में जाएंगे, उनका रेस्ट पीरियड है। यहाँ पे मेरी इस तरह से, यहाँ पे मेरे सारे ही एडेनियम जो कि रेस्ट में हैं, अभी उसमें फ्लावर थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। यहाँ पे मेरे सारे ही कैक्टस हैं जो कि मैंने एक पॉली हाउस बना के उनको सेव कर दिया। कोहरों से बचाना बहुत ज़रूरी होता है अपने कैक्टस वगैरह को। और यहाँ पे मेरी हैंगिंग है जो कि यहाँ पे मैंने कैलेंचो लगाया हुआ है उसमें, और ये नारियल सेल के प्लांटर भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे वाटर में मैंने एस्पेरिगस लगाई थी तीनों में, और बहुत ही सुंदर से खिली हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरा इंडोर जो कि मैं बरामदे में रखी हूँ, आज मौसम में धूप भी नहीं है, और इनकी हालत अच्छी ठीक ठाक है दोस्तों, क्योंकि मैं 10 दिन अभी नहीं थी अपने प्लांटों के बीच में, तो पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे प्लांट सारे ही हेल्थी मिले हैं, बस थोड़ा सा जो काम मैं करती थी वही नहीं है, सब अच्छे ही चल रहे हैं। और इस तरह से मेरा गार्डन है, ये इंडोर प्लांट रखे हैं दोस्तों यहाँ पे मेरे सिंगोनियम वगैरह मैं यहाँ पे लगाई हूँ। यहाँ से जब मैं देखती हूँ तो मेरा बाहर का गार्डन दिखाई देता है, तो चलिए मैं आपको बाहर का भी गार्डन दिखाती हूँ। इस तरह मैं आई तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरी ज़मीन में कुछ प्लांट लगाए थे मैंने, यहाँ पे मेरे सारे ही गुड़हल वगैरह लगे हुए हैं, आज बारिश है बहुत, और यहाँ पे सारे ही क्रेसेंथमम मेरे खिल रहे हैं, और मैरीगोल्ड भी ओवर पानी की वजह से सारे ही झुक गए हैं दोस्तों, क्योंकि बारिश से पानी फूलों पर पड़ता है तो वो बेचारे झुक जाते हैं। यहाँ पे देखिए ग्लैडिया भी झुका है, और यहाँ पे दोस्तों ये मेरे मैरीगोल्ड हैं, और जो कि बहुत ही हेल्थी हैं और अच्छे से ब्लूम भी कर रहे हैं, पर अभी मैं इनको और अच्छे से खाद वगैरह दूंगी,
और यहाँ पे मिनिएचर रोज़ है जो कि खिल भी रहा है। बहुत ही अच्छी सी कलियाँ, बहुत अच्छी सी कलियाँ बन रही हैं दोस्तों इसमें। तो ये मेरे बाहर का ग्राउंड है जो कि इस तरह से बस लगा हुआ है। यहाँ पे कैलेंचो है, बहुत ही अच्छे अच्छे से बर्ड्स बनाई हुई हैं, खूब सारी बर्ड्स बनी हैं। यहाँ पे हाइब्रिड भी कैलेंचो है मेरा, ये देखिए पीले कलर का है, यहाँ पे रेड कलर का है, यहाँ पे देसी है। तो ये सारे ही कैलेंचो लगे हुए हैं। और यहाँ पे मेरी गुलदाबदी के कुछ भी प्लांट रखे हैं जो कि अच्छे से ब्लूम हो गए हैं, और अब इनमें ब्लूमिंग ख़त्म भी होने वाली है। सेकंड लॉट अब जब आएगी फ्लावर तभी होंगे। यहाँ पे सारे ही मेरे प्लांट रखे हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, यहाँ पे मेरा ये मैरीगोल्ड है जो कि 5 लीव्स वाला है। यहाँ पे यूफोरबिया मिली है, और यहाँ पे येलो भी है और रेड भी है, दोनों ही मेरी ये यूफोरबिया मिली रखी हुई हैं दोस्तों। ये पाम लगा हुआ है, और इस तरह से मेरा बाहर का ग्राउंड है। और यहाँ पे दोस्तों मेरी हैंगिंग है, ये रखे लगे हुए हैं जो कि DIY मैंने किए हैं, जो बाहर मेरी हैंगिंग है। देखिए और इंजॉय करिए, आपको कैसे लगे आप ज़रूर बताना। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फर्स्ट बार आए हैं तो बेल आइकन भी दबा के जाइएगा दोस्तों, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो आपको डालूं तो मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। और आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो या कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से मेरे हैंगिंग यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आज दोस्तों बारिश हो रही थी तो मैंने कुछ प्लांट, इंडोर प्लांट अपने बारिश में निकाल दिए हैं कि उनको भी थोड़ा बारिश का पानी मिल जाए। और ऊपर मेरे सारे हैंगिंग लगे हैं जिसमें मैंने विंटर फ्लावर लगाए हैं। आज मैंने ये प्लांट भी निकाल के बाहर कर दिए थे दोस्तों। और यहाँ पे मेरे रोज़ वगैरह के प्लांट हैं, यहाँ पे थ्यूजा का प्लांट है। इस तरह से मेरे पूरे गार्डन में जगह जगह मेरे प्लांटों को मैं रखे हूँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किस प्लांट को धूप चाहिए, किसको कम धूप चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरी सेम लगी है, और इसमें भी बहुत ही अच्छे छोटे छोटे से सेम के फल आए हैं। तो इस तरह से मेरा गार्डन बहुत 3 जगह फैला हुआ है मेरा गार्डन दोस्तों, और एक इंडोर है, एक आंगन में है और कुछ बाहर है। तो इस तरह से मैं सब जगह केयर करनी पड़ती है अंदर बाहर जाके। तो और बहुत ही हेल्दी प्लांट हैं। आप लोग अपने प्लांटों का विंटर में अच्छे से केयर करें, उन्हें पर्याप्त धूप दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें दोस्तों अपने प्लांटों में। यहाँ पे मेरी कटिंग वगैरह है, यहाँ पे दोस्तों मेरे सारे ही पाम लगे हैं, जितने भी मेरे पास पाम हैं, एरिका पाम और फिनिक्स पाम और लेडी पाम, सारे ही पाम मेरे यहाँ पे दोस्तों रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे सारे अगेब रखे हैं, अगेब का कलेक्शन है जो कि मैं थोड़ा दूर रखती हूँ दोस्तों। आप अगेब लगा रहे हैं तो अपने बच्चों से थोड़ा सा अपने इस प्लांट को दूर रखें, वो बहुत ही हानिकारक हो जाता है कभी कभी। मेरे एक फ्रेंड को चुभ गया था तो वो भी बहुत ही सर्वाइव किया। तो इसलिए अगेब अगर आप लगाएं तो थोड़ा सा बच्चों से दूर रखें। यहाँ पे दोस्तों मेरा फाइकस है, सारे ही फाइकस कलेक्शन है, और दूर से मेरा ऐसे लगता है, पर आज बारिश का मौसम है तो आप इसमें भी आप मेरे गार्डन का मज़ा ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखो मेरे कितने सारी नींबू, जो कि मेरे यहाँ पे नींबू का प्लांट है तो बहुत ही पानी की वजह से कितने सारे नींबू गिरे हुए हैं, और इनको मैं बाद में ही ठका करूँगी। इस तरह से ये देखिए सारे ही लीव्स नींबू इस समय अपना प्लांट से लीफ गिरा देते हैं नींबू। तो आप बताना दोस्तों मेरा, आपको ये वीडियो मेरा ओवरव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ध्यान रखना। बाय बाय।